हमें उस स्टेशन पे जाना पड़े। दूसरा मैं चाह रहा था, मैंने अभी जितना भी हमारा सिंध हुकूमत चला है उसमें मेरा इतना दिलचस्पी नहीं रहा कि ऑफिसर साहब कौन है, कहाँ कौन पोस्ट हुआ है। और फिर जब हुकूमत बनता है तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि किसको कहाँ लगाया जाए। उस टाइम पे हम लगा देते हैं, फिर पता चलता है कि कौन अच्छा है, कौन लायक है, कौन नालायक है। आप सब मेरे आँख है, मेरे कान है, आपको खुद देखना चाहिए, खुद देखना चाहिए कि निचले सतह से ले के मतलब आपके यूनियन काउंसिल सतह तक जो ऑफिसर्स लगे हुए हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट्स पे जो ऑफिसर्स लगे हुए हैं, आपके ये प्रोविंशियल लेवल पे जो ऑफिसर्स लगे हुए हैं, मुझे नहीं पता चलेगा। मैं उनके पास नहीं जाता हूँ कि आप ये अवाम का काम कर रहे, आप ये लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन हल करें, ये इन लोगों का मसला है आपकी। मैं इनसे मिलता नहीं हूँ, काम सब मुझसे लेते हैं बाद में। तो मैं चाहूँगा कि आप खुद जायज़ा लें कि कौन अच्छे ऑफिसर्स है, कौन करप्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, अगर करप्शन में कौन इन्वॉल्व है वो लोग कौन है, ताकि अगली बार जब आपका हुकूमत बनता है तो फिर मैं सीएम साहब के साथ बैठूंगा और ख़ुद चुनेगा कि कौन किस किस का जो तरीक़ेकार है, जो रवैया है वो सही है और किसने गलत किया। और ये पैगाम फिर इंशाल्लाह ताला ना सिर्फ इसके हवाले से एक और बात है कि जहाँ तक करप्शन के सवालात हैं, आप सब ने शिकायत की कि वसाइल कम है। अगर उन कम वसाइल में से करप्शन होगा तो फिर अवाम को नुकसान पहुँचाया जाएगा और वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो सबसे ज़्यादा आपके लिए एक वार्निंग है कि आप खुद इन्वॉल्व ना हो जाए किसी गलत काम पे, वरना आपको मुझे जवाब देना पड़ेगा। मगर साथ साथ अगर कोई और किसी गलत काम में शामिल है, वो समझते हैं कि इस इंटरिम पीरियड में वो कोई मज़ा कर सकते हैं और बाद उनसे भी कोई पूछने वाला नहीं होगा, उनको पता होना चाहिए कि मैं मौजूद हूँ और मैं ज़रूर पूछूँगा। ये सबसे बड़ा नाइंसाफी है। हम बड़ा मुश्किल से, मुझे पता है किस तरीके से मैंने पूरी दुनिया घूम के अपने सैलाब मुतासरीन के लिए पैसा का बंदोबस्त किया। मुझे पता है कितना मुश्किल था कि इसी वफाकी हुकूमत से जो मैं खुद हिस्सा था, मैं वज़ीर ख़ारजा था, कितना मुश्किल था उनसे ये स्कीम्स निकालना। तो आपने अब इंश्योर करना है, आप खुद जाके देखें मेरे जो घर बनाने वाला अपना ज़मीन अपना मकान का मंसूबा है वो कैसे चल रहा है, वो सही चल रहा है, आहिस्ता हो गया है। आपको मुसलसल इस पर चेक रखना चाहिए। जो बाकी ऑनगोइंग स्कीम्स हैं जो चलते आ रहे हैं उनको भी आपको खुद विज़िट करके खुद देखना चाहिए कि कहाँ काम चल रहा है, कहाँ दो नंबरी चल रहा है। ये आपका ज़िम्मेदारी है, आपने अपना ज़िम्मेदारी अब वो पूरा करना है और उसी तरीके से आप इंशाल्लाह ताला अपना रिट कायम करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। आखिरी बात, जहाँ तक हमारा अवामी राबता मुहिम है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क का वो वाहिद जमात है जो चाहता है कि इलेक्शंस हो और इलेक्शंस आज हो। बाकी आपने देखे होंगे कभी कोई सो कॉल्ड लीडर टीवी पे आता है और वो कहते हैं कि आई डिलिमिटेशंस होने हैं, तो तब तक चले हम मानते हैं डिलिमिटेशंस तो अब हो गए, तो अब कोई मसला नहीं होना चाहिए डेट देने में। तो डिलिमिटेशंस नहीं तो कभी कोई मौसम की बात करना शुरू कर देते हैं कि फरवरी में जनवरी में जो है वो मौसम बड़ा ठंडा है, हम कैसे इलेक्शंस लड़ेंगे। फिर कोई कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर का क्या सूरत हाल है हम इस हालात में। इन सब को मेरा ख्याल में पाकिस्तान के अवाम को पहचानना चाहिए कि कौन उनका एहतसाब से भाग रहे हैं और कौन तैयार है कि वो अपने आप को उनके सामने पेश करे, उनका कारकर्दगी उनके सामने पेश करे, उनका पार्टी के मंशूर और नज़रिया उनके सामने पेश करने के लिए तैयार है कि हम इलेक्शंस करें ताकि हम इनके मिसाइल हल कर सकें। उस इशू के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी सियासत जारी रखेगी और हम चेन से नहीं बैठेंगे जब तक हम अपने इलेक्शन डेट का नोटिफिकेशन अपना इलेक्शन कमिश्नर साहब से नहीं मिलता। उसी सिलसिले में
हमारा 18 अक्टूबर का जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वो जब वापस आई थी और कारसाज पे जो वाकया हुआ था उसका अब एनिवर्सरी आ रहा है, उसके हवाले से इंशाल्लाह ताला हम मुल्क भर में हर डिस्ट्रिक्ट में 18 अक्टूबर को मुल्क भर में हर डिस्ट्रिक्ट में कारसाज का जो वाकया हुआ था, जो हादसा हुआ था, आप अपने डिस्ट्रिक्ट्स में पावर शो करेंगे, अपने जो एक्सपेक्टेड टिकट होल्डर्स है या टिकट होल्डर्स जो ख्वाहिशमंद है टिकट्स के, उनके साथ मिलके, मेरे बल्दिया के नुमाइंदे मिलके अपने अपने डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर्स में हम 18 अक्टूबर का जो इवेंट है वो मनाएंगे। वो ना सिर्फ सिंध में होगा, सारे सुबह हर डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर्स में ये इवेंट मनाया जाएगा। और मैं सारे मैं ये वीडियो लिंक के थ्रू मैं किसी एक जगह तो ज़रूर मज़रूफ मौजूद होंगा, बाकी फिर मैं वीडियो लिंक के थ्रू चाहूँगा कि मैं सारे डिस्ट्रिक्ट्स में ना सिर्फ खिताब करूँ, मगर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आगे का लाहे अमल है उसके बारे में भी बात करूँ और हम ये सिलसिला जारी रखें। तो आपका पहला जो इस सिलसिला में जो आपके लिए एक टेस्ट होगा, एक इम्तहान होगा, वो हमारा 18 अक्टूबर का जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी है उसको हम मनाने जा रहे हैं। अब कारसाज की जो वाकया है उसकी याददाश्त में वो इवेंट मनाने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। आगे का जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लाए अमल है उस पर हम मज़ीद बात करेंगे, मगर जो सोच हमारा एक वक्त के और जो इस वक्त मुल्क में जितने भी बहरान हैं, जितने भी मसाइल हैं, सारे तमाम मसाइल का जो हल है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मंशूर में मिलता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नारा रोटी कपड़ा और मकान, और रोटी कपड़ा और मकान की आज सख्त ज़रूरत है पाकिस्तान की आवाम को। इस मुआशी बहरान पाकिस्तान की गरीब आवाम सिर्फ और सिर्फ कायदे आवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उम्मीद रख सकते हैं। दूसरी तरफ हमारे मुआशरे में तकसीम, नफरत की सियासत एक इस किस्म का सूरत हाल बन चुका है कि एक दूसरे से बात करने के लिए तैयार नहीं। ये कोई तरीका नहीं होता है किसी मुआशरे को चलाने का, किसी रियासत को चलाने का। इस बहरान का भी हल कायदे अवाम का दिया हुआ एक नारा में मिलता है। कायदे अवाम ने कहा था कि ना तेरा ना मेरा, हम सब का पाकिस्तान, और हमने दिखाना है कि ये हम सब का पाकिस्तान है, और हम किसी एक मखसूस तबका का ना किसी एक मखसूस हिस्सा का नुमाइंदगी करते हैं। हम इस इस्लामी जमहूरी वफाकी नमान का वफाकी निज़ाम का नुमाइंदगी करते हैं, और इंशाल्लाह ताला हम मिलके मेहनत करेंगे, और जब हम मिलके मेहनत करेंगे तो जीत हमारी होगी, जीत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी। मैं चाहूँगा कि ये जो इनके एक इलेक्शन कमीशन और चीफ मिनिस्टर सिंध के साथ जो रابطہ है वो आपका डेलीगेशन और मेरे जो सूबाई तंजीम है निसार खोरो साहब भी साथ हो, और साबिक जो वज़ीर आला है हमारा मुराद अली शाह साहब वो भी आपके साथ जाए, वो मेरे नुमाइंदगी करे, आप अपने इलाके की नुमाइंदगी करें, दोनों से बात करें, इलेक्शन कमिश्नर से, चीफ मिनिस्टर साहब से, और फिर मुझे बताएं कि हम कि आप कितने मुतमिन हैं या कितने आपके मसले हल हुए हैं। अगर नहीं तो हम अदालत के रास्ते भी जानते हैं, अगर वहाँ से भी नहीं हम सरके की सियासत भी जानते हैं, और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जानती है कि हम अपने हक अगर हमने लेना है वो भी जानते हैं कि कैसे लेना है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला हमारा रابطہ होता रहेगा, और उम्मीद है नेक्स्ट टाइम जब हम मिलते हैं आपके थोड़े मसले कम हुए होंगे, एंड आई लुक फॉरवर्ड के 18 अक्टूबर पे कारसाज के मौके पे इंशाल्लाह ताला हमारा फिर बात हो। शुक्रिया।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनकी जानिब से कहा गया अगर मामला हल ना हुआ तो अदालत का रास्ता जानते हैं, तरक्याती स्कीम्स को रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन सूबाई हुकूमत से भी ये मामला उठाएंगे, हमने हुकूमत में कानून साजी की थी, तरक्याती स्कीम्स जारी रहेंगी, तरक्याती स्कीमों को ना रोका जाए। कभी कहते हैं जनवरी का मौसम ठंडा है और कभी लॉ ऑर्डर की बात करते हैं, आवाम इनको देखें।